हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। मैं यहाँ पे आप सबके सामने फिर से एक अपडेट को लेकर आई हूँ 13 नवंबर के एडमिट कार्ड से रिलेटेड। ठीक, 13 नवंबर का एडमिट कार्ड आ गया है और अपलोड भी हो रहा है जैसा कि आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट अब भी हैं जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। ठीक, और कुछ ऐसे स्टूडेंट का भी मुझे कमेंट आया जिनका अभी भी फीमेल लिखा आ रहा है इंस्टेड ऑफ मेल। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड इज ईमेल्ड बाय आयोग, यानी एडमिट कार्ड जो है ईमेल कर रहा है आयोग सभी को। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि वो किनको किनको मेल कर रहा है और जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक, तो ये देखिए, मुझे एक आया था टेलीग्राम पे, किसी ने भेजा, आयोग ने सभी को एडमिट कार्ड ईमेल कर दिया। अब हम बात करते हैं कि आयोग ने सभी को एडमिट कार्ड किसको किसको जो है एडमिट कार्ड ईमेल किया। तो जब हमारा 6 को जब एडमिट कार्ड आया, जब 6 को हमारा एडमिट कार्ड आया और जब मेल की जगह फीमेल लिखा आ रहा था और जिनका जिनका ईरर या ऐसे जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो उन सबको मैंने यही सजेशन किया था कि आप जो है आयोग में जो है कॉल कीजिए या जो है मेल कीजिए। ठीक, ये कहा था मैंने। तो जिन लोगों ने मेल किया है, यानी जिन लोगों ने जो साइट जो मैंने बताई थी उस पे जो है इन्होंने जिसने भी मेल किया है उसको आयोग ने उन सभी लोगों को जिन्होंने मेल किया है उनको एडमिट कार्ड ईमेल किया है। ठीक, सभी लोगों को नहीं किया है कि नहीं, जितने भी नंबर आपके स्टूडेंट लाइक आपके 30,000 32,000 जो दोनों शिफ्ट के हैं सबको किया है, नहीं, जिन्होंने मेल किया है आयोग को कि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, मेरा इशू हो रहा है, उनको जो है उन्होंने ईमेल किया है। और ये ईमेल करने वाले लोग कौन हैं, जिनका फी रिसिप्ट और अप्लीकेशन फॉर्म पे दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, फी रिसिप्ट पे और अप्लीकेशन फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, और जिनका जो है अप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ जो है डाउनलोड हुआ था। ठीक, तो उनको, और अगर आपका जो है अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं भी हो रहा है लेकिन अगर अप्लीकेशन फॉर्म पे और जो है आपका फी रिसिप्ट पे जो है सेम है तो आप जो है आयोग को मेल कीजिए। ठीक, क्योंकि ऐसे जिन लोगों ने भी आयोग को मेल किया है उनका एडमिट कार्ड आयोग ने उन्हें दे दिया है। देखिए यहाँ पे एक मैं दिखाती हूँ आपको, हाँ, तो सभी लोगों को कर दिया है। और इसमें यहाँ पे एक देखिए और आया, सभी को नहीं किया है, सिर्फ उनको किया है जो उनको ईमेल किए हैं। ठीक, ये आपके सामने क्लियर हो गया। जैसा फर्स्ट शिफ्ट में 1700 का एडमिट कार्ड निकालना था वैसे ही इनको दिया है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में नए स्टूडेंट जो धरना देने के बाद 1700 स्टूडेंट को जो है 6000 में से 1700 स्टूडेंट को दिया गया, वैसे ही इनको भी दिया गया है। दोज पीपल विद सेम रजिस्ट्रेशन ऑन फॉर्म एंड फी कलेक्ट पेपर, यानी जो आपके फॉर्म में सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है और फीस कलेक्ट पेपर वाले पे, उनको जो है ये ईमेल किया गया है। अभी बहुत लोग हैं जिनका ईरर शो कर रहा है, ऐसा कमेंट मुझे भी आ रहा है कि मैम साइट नहीं खुल रही है, मैम ईरर दिखा रहा है, मैम एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका फीस अलग रजिस्ट्रेशन पे हुआ है। ठीक, बट शायद ये फर्स्ट शिफ्ट से कम है, यानी कि जो स्टूडेंट हैं जो कम लोग जो पिछली बार 6000 लोग थे जिनमें से इतने लोग का बाकी रह गया 1700 को छोड़ के, उनके भी जैसे फी रजिस्ट्रेशन ये सब अलग था उसी तरह इस बार भी है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है संख्या यहाँ पे कम हो गई है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में कितने लोग हैं, ये 12 नवंबर तक को पता चल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया। मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी आयोग को मेल कीजिए अगर आपका जो है एप्लीकेशन नंबर एंड वो जो फीस वाला जो है और ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका फीस वाला रेफरेंस आईडी जो आपने पेमेंट किया हो, वो पेमेंट कलेक्ट पेपर वो वाला, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो पेपर है जिसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर सेम हो रहा है, और अगर आपका जो है पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, अगर आप जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले पे आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो है पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है फिर भी आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, तो अभी भी टाइम है। आपका पेपर 13 को है, आज आपका डेट जो है हमारा 8 नवंबर है, तो
अभी भी टाइम है, आप आज मेल कीजिए और 3-4 बार मेल कीजिए, ठीक। ऐसा नहीं कि एक ही बार कीजिए, 3-4 बार मेल कीजिए। और आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, जो भी मैंने साइट बताई है, जो भी मैंने ईमेल आईडी बताई है सेक्रेटरी की, और जो 3-4 लोग हैं, ठीक, उन सबको कीजिए, 3-4 बार कीजिए, ठीक, जिससे कि आपको रिप्लाई आए। क्योंकि आप जितनी बार करेंगे और आपके जो प्रूफ है वो प्रूफ रहेंगे, और अगर नहीं हो तो आप जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का अपना जो है PDF बना करके उसको भी सेंड कर दीजिए, जिससे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने के चांसेस जो है ज़्यादा हो, ठीक ठीक तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों का वो मेल कर रहे हैं एडमिट कार्ड, तो आप लोग जो है उन्हें अपने एप्लीकेशन और SBI रेफरेंस आईडी ये सारी चीज़ों को मेल कीजिए, जिससे कि आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाए। थैंक यू सो मच।